अस्सलाम वालेकुम मैं नवाब खान आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आया हूं और जो कि एक नया अंदाज है मल्टीप्लिकेशन का आ, जो मल्टीप्लिकेशन हम रिवायती अंदाज़ में करते हैं उससे हट कर हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे इंटरेस्ट बनाएंगे जिसमें अक्सर छोटे बच्चे स्कूल वाले तलबा मेरे ख्याल में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे अगर आप एक टीचर हैं तो बहसीत एक टीचर अगर आप इसको अपना लें तो आप मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बना सकते हैं तो किस तरह है तो इसमें कौन कौन से ट्रैक्स होंगे ये आपको कैसे समझ में आएगा तो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो रवायती अंदाज़ है ये मल्टीप्लिकेशन का और मल्टीप्लिकेशन है क्या चीज़ ये जमा का एक मुख्तसर जिस तरह हम एक इनसे को बार बार जमा करते हैं जमा करते हैं तो उसका शार्ट कट अमल क्या है वो मल्टीप्लिकेशन है तो जिस तरह हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में के, आ, आ, 12 मल्टीप्लाई बाई थर्टीन एज़ इक्वल टू इससे क्या जवाब आएगा ये एक रिवायत अंदाज़ है हमारा ज़रब का मल्टीप्लिकेशन का तो इसका जवाब आएगा कि ट्वेल्व बाई थर्टीन और ये बराबर होगा किस चीज़ के बराबर है तो पहले दो और तीन ले ले, तो ये होगा छः पैर तीन और एक ही होगा तीन इसी तरह यहाँ एक ज़ीरो लगा ले, फिर यहाँ पर क्या है दो और एक ज़रब करने से होगा दो और इसी तरह वन बाई वन से आएगा वन अगर हम इसको जमा कर ले तो एडिशन से इससे आ जाएगा कि सिक्स होगा ये होगा फाइव और ये होगा वन यानी वन फाइव सिक्स से इसका आंसर है वन फाइव सिक्स तो अब ये तो है रिवायती अंदाज एक जरब का रिवायती अंदाज से हट कर इसको अगर हम सालों कर ले सालों कर ली किस चीज़ के जरिए हैंड कर चीफ़ के ज़रिए एक रुमाल जो होता है रुमाल का जो तरीका है उसके ज़रिए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं तो ये एक रुमाल है हमारे पास इसमें अगर आप देख ले तो इसमें यह लाइनें हमारे पास है ये लाइन है और इसी तरह ये लाइन है तो ये जो लाइन आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ये हमको वहाँ से डांट हासिल होते हैं। तो किस तरह कि हमारे पास अगर एक रुमाल इसी तरह बना हुआ है ये हम सपोज करते हैं कि ये एक रुमाल है हमारे पास और ये इसी रुमाल की क्या है वैसे बार्डर तो इसी रुमाल में हमारे पास इसी तरह लाइने होती है ये इसी तरह यहाँ पर भी दो या तीन जितने भी लाइन हम ले 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 सकते हैं तो ये एक कर चीफ रुमाल हो गया अब इसी रुमाल को मल्टीप्लिकेशन की तरफ लाती हुई इन मल्टीप्लिकेशन को इंटरेस्ट बनाना है जरब करना है किस तरह अब यह रुमाल तो हमारे पास वैसे पड़ा हुआ है कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है और जो हॉरिजेंटल लाइन है इसी तरह ये ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है अब इसी रुमाल को अगर हम थोड़ा घुमा लें तो इसमें ये जो बनेगा किस तरह यानी 45 डिग्री पर इसको ले आए तो इसके अंदर जो ग्राफ बना हुआ है वो वो लेने है बस इसी ग्राफ के मुताबिक क्या करना है हमने इसी मल्टीप्लिकेशन को हल करना है तो ग्राफ किस तरह है इस ग्राफ में चलो हम ले लेते हैं कि ये ट्वेल्व बाई थर्टीन इससे आंसर आया है वन फाइव सिक्स और इस मेथड से कैसे आएगा तो हमारे पास पहला है ये है कि ट्वेल्व बाई थर्टीन इसी ट्वेल्व में ये फर्स्ट वन है ये सेकंड है जो फर्स्ट वन है आप इसको यहाँ दो लाइनें ड्रा करें क्योंकि हमारे पास यहां टू है टू लाइन हमने ड्रा की इसी तरह वन है तो वन के लिए हमारे पास ये वन लाइन आ गया यानी वन और टू ये है ट्वेल्व अब मल्टीप्लाई बाय थर्टीन इसमें वन और थ्री वन इधर होगा ये एक लाइन है थ्री ये दूसरा लाइन है ये ये एक रुमाल का डिजाइन हो गया तो इसमें जो क्रॉस आते हैं ये लाइन क्रॉस पॉइंट जो हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव सेक्स यानी ये एक हमारे पास यहाँ है सिक्स क्रॉस इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गई इसी तरह ये जो है वन टू थ्री फोर फाइव ये एक दूसरा ग्रुप बन गया इसमें कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ फाइव लिख ले और यह एक तीसरा ग्रुप है वन है वन तो इसका आंसर आ जाएगा वन फाइव सिक्स सो ट्वेल्व बाई थर्टीन एज इक्वल टू वन बाई सिक्स ये कर चीफ मेथड तो एक और हिंसे को जरूर देना है जो कि हमारे पास आ, क्या है चलो हम लेते हैं ये टेन बाई टेन इससे तो जवाब क्या आता है अब टेन को लेना है यह हमारे पास है वन इसी तरह ज़ीरो है ज़ीरो का मतलब ये है कि कोई लाइन हमारे पास नहीं है यह यहाँ पर ज़ीरो लाइन है इसी तरह मल्टीप्लाई बाई दूसरा है तो वो है वन ये वन इधर लगा लिया अब दूसरा ज़ीरो हिंसा है ज़ीरो का मतलब है कि कोई लाइन नहीं है तो लिहाजा यहाँ पर भी कोई लाइन नहीं होगा तो पहला ग्रुप तो है यहाँ दूसरा ग्रुप ये है तीसरा ग्रुप हमारे पास ये बनता है यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो ये होगा ज़ीरो यहाँ पर भी कोई इंटरसेक्शन, यानी लाइन का इंटरसेक्शन नहीं है यहाँ पर भी है ज़ीरो और यहाँ पर वन है एक पॉइंट मिला है इसलिए यहां पर होगा वन सो टेन बाई टेन से जवाब आ जाएगा हंड्रेड ये एक दूसरे से को चेक हैंड कर चीफ के मेथड से इसी तरह इसके अलावा एक और से को चेक करना है जो कि हमारे पास है आ, यहाँ अगर हम ले लें कि फिफ्टी टू बाई ट्वेंटी थ्री इससे क्या जवाब आ जाएगा फिफ्टी टू फिफ्टी टू यह हमारे पास है फाइव तो फाइव लाइन यहाँ ड्रा करें, ये इसके बाद है टू टू ये ड्रा करें फिर बाई ट्वेंटी थ्री टू है पहले ये हो गया टू इसी तरह थ्री है थ्री लाइन इधर लगा ले अब इससे क्या जवाब आ जाएगा कि 52 टू बाई तो ये पहला ग्रुप है इसी तरह ये हमारे पास दूसरा ग्रुप है ये तीसरा ग्रुप है इंटरसेक्शन का तो पहले ग्रुप में कितने पॉइंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ सेक्स लगा लिया वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव पंद्रह और ये सोलह सत्रह अठारह उन्नीस यहाँ पर कितने हैं? उन्नीस है ये नाइनटीन इसी तरह यहाँ पर है वन टू थ्री फोर फाइव सेक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ पर है टेन अब इसका जवाब ये नहीं आता है कि हम यहाँ लगा लें कि दस उन्नीस और छ ये इसका जवाब नहीं इसके लिए एक तरीका है तरीका यह है कि जिस तरह हमारे पास आम रिवायत में जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि एक हिंसा आ गया दूसरे को आगे लेके जाना है तो यहाँ हमारे पास होगा ये 19 है यहां नो लेना है ये एक इधर आएगा वो इसके साथ प्लस होगा इसके बाद कोई और हिंसा नहीं है लिहाजा यहां पर ये होगा 11 और यहां ये है नाइन और ये है सिक्स तो इसका आंसर होगा वन वन नाइन एंड सिक्स तो आप फिर ख़ुद भी ट्राई करें चेक करें कि 52 टू बाई ट्वेंटी थ्री से हम रिवायती अंदाज़ में इससे क्या जवाब आता है या नहीं आता इसके अलावा चलो एक और हिंसा जो कि हमारे पास है कि टू बाई थ्री टू बाई थ्री इससे क्या है वैसे ये तो है दो तीन छः लेकिन हैंड कर चीफ के मेथड से ये है टू ये हमारे पास टू लाइन है पैर कितने हैं थ्री वन टू थ्री बस एक ग्रुप बना इंटरसेक्टिंग का वन टू थ्री वन टू थ्री और वो है भी क्या इकाई वाले जगह में है तो यहाँ पर क्या है इसका सेक्स इसका जवाब क्या आता है सेक्स आता है तो ये था एक रिवायती अंदाज से हट कर मल्टीप्लिकेशन का हैंड कर चीफ मेथड है इसका मतलब ये है कि इस एक मैथमेटिक्स में थोड़ा ये स्टूडेंट्स होते हैं वो दिलचस्पी लेते हैं तो आप लोग खुद भी ट्राई करें आ, क्योंकि क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस में अ परफेक्ट तो लिहाजा आप इस पर ट्राई करें चेक करें इसके बाद इन शाम तो ये वन ये डबल इसके बाद अगर तीन हिंसे है या चार है मतलब है कि सेंकड़ वाला है हज़ार वाला है उसका तरीका क्या होगा आप लोग ट्राई करें अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि इस हिंसे का जवाब क्या आता है इन नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे ओके थैंक यू खुदा हाफिज़